उत्तर प्रदेश के सभी चुनाव पूरी दमदारी से लड़ेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण यादव ने कहा है कि प्रदेश में अब आम जनता का आम आदमी पार्टी को समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद अब गुजरात प्रदेश के एमसीडी उपचुनाव में सफलता पाई है, जिसकी सफलता को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता भी प्रफुल्लित है। आगामी वर्ष में संपन्न होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में आम आदमी पार्टी यूपी में भी अपनी सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष श्री यादव ने कहा है कि इटावा में पार्टी ने पंचायत सदस्य चुनाव में सभी सीटों पर 24 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत पार्टी के सभी प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है। पार्टी जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी। समीक्षा बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री यादव ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरते हुए क्या कुछ बताया है, सुनिए। आम आदमी की समस्याओं को लेकर जनता के बीच में आ चुकी है और दिल्ली के और प्रदेश के संगठन के सभी पदाधिकारी जो है हर जिले में हर विधानसभा में मीटिंग कर रहे हैं और जनता को दिल्ली सरकार का मॉडल बता रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाएगी। सर, देखा जा रहा है कि लगातार आम आदमी परेशान है, सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा है, क्या विचार है आपके? ये महंगाई जो है बीजेपी की जब से सरकार है तो तब से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और उसी की वजह ये महंगाई है। ये कमीशन खोर सरकार है, कमीशन लेकर जो है कंपनियों से सिलेंडर महंगा कर दिया इन्होंने। पेट्रोल डीजल ये कमीशन का ही खेल है कि जो आज महंगा है। ड्यूटी बढ़ा दी इन्होंने, विधायकों के सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ा दिए, तो इन सब की मार जो है देश की गरीब जनता पर ही पड़ रही है। सर, लगातार देखा जा रहा है किसान आंदोलन को 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, किसानों को अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्या लगता है सर कि आगे क्या होगा? बीजेपी सरकार की नीयत साफ नहीं है, उसकी पूरी एक ही मंशा है कि देश के कुछ चंद उद्योगपति हैं उनको कैसे लाभ पहुंचा जाए, इसलिए उसने जो है किसानों के लिए जो काला बिल लाए हैं, काला कानून, वो किसानों के लिए डेड वारंट है। तो ये सरकार किसानों की कोई भी मांग नहीं मानेगी, इसके लिए परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों के साथ कंधा से कंधे लगाए खड़े हुए हैं आज। सर, जिस तरीके से दिल्ली में योजना चल रही है, उत्तर प्रदेश में वो योजना आएंगी? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बने तो निश्चित ही दिल्ली वाली जितनी व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी।